उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। हादसा बागपत के रामाला थाना क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ, जहां हाईवे पर एक निर्माणाधीन पुलिया के पास अनियंत्रित होकर I-20 कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वाले सभी चारों युवक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 सगे भाई और 1 अधिवक्ता भी है। चारों लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें, ये पूरा मामला दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ, जहां दिल्ली के रहने वाले नरेश पुत्र जगदीश प्रसाद, प्रमोद, धर्मेंद्र, कपिल और नरेश कुमार शामली जनपद के एलम गांव से शादी समारोह में भाग लेकर दिल्ली लौट रहे थे। उस वक्त I-20 कार को नरेश चला रहा था। कार जैसे ही दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बागपत जनपद के रामाला थाने में जय पार्वती स्कूल के पास पहुंची, तो वहां निर्माणाधीन पुलिया के पास चालक कार से संतुलन खो बैठा, जिसके बाद तेज रफ्तार कार पलट गई और हादसे में प्रमोद, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के भाई कपिल और नरेश कुमार सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। कपिल पेशे से अधिवक्ता है, जबकि अन्य दूसरी कंपनियों में काम करते थे। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही युवकों के परिजनों को फोन करके सूचना दी गई है। देखिए, ये रमाला थाना क्षेत्र में एक I-20 कार में ये शामली जनपद से किसी शादी समारोह से 5 व्यक्ति एक कार से लौट रहे थे, जो रास्ते में अपना असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराए हैं और उसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। चारों दिल्ली के निवासी हैं और शादी समारोह से लौट रहे थे, कुछ ये नशे में भी थे, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हाँ, इनमें एक अधिवक्ता हैं और 2 सगे भाई हैं। वहीं इस घटना पर CO बड़ौत का कहना है कि रामाला थाना क्षेत्र में I-20 कार में शामली जनपद से शादी समारोह से 5 लोग लौट रहे थे, जिस दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 1 घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत से अजय की रिपोर्ट।